जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखता हूँ। 10 वर्ष की आयु से ही मैं अपने पूज्य पिताश्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एवं दंत ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है जिसके सिद्धांतों को हमारे ऋषि मुनियों ने वर्षों की तपस्या से और रिसर्च कर हमारे धर्म शास्त्रों में अंकित किया है। मैं आज इन्हीं वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर और आज के ग्रह नक्षत्रों की स्थितियों के आधार पर आपको आपका राशिफल बताने जा रहा हूं। तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, यह सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले एक साल में जो हमने आपसे जो प्यार पाया है, जो आपने अपने स्नेह और आशीर्वाद हमें दिया है, जिस कारण आज हम 50,000 सब्सक्राइबर से सीधे 10,00,000 सब्सक्राइबर्स की जो आंकड़ा है उसको पार कर चुके हैं, उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। प्रिय भक्तगणों, ऐसे ही आप सभी हमें अपना प्यार देते रहें और हमारी वीडियोस को पसंद करते रहें, यही हमारी आशा है। जिन भी भक्तगणों ने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो उन तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें, उस पर अपना नाम लिख के कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मैं आशा करता हूं कि आप भारी से भारी संख्या में अपना कमेंट्स के माध्यम से हमें प्यार इस वीडियो को अवश्य ही दें। आज 3 अक्टूबर 2019 दिन गुरुवार, अश्विन मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज पंचमी तिथि सुबह 10:12 तक रहेगी और उसके पश्चात षष्ठी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:48 से लेकर 12:35 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल दोपहर 1:38 से लेकर 3:06 तक रहेगा। इस दौरान आप किसी भी शुभ कार्य को करने से परहेज करें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि धनु यानी कि सैजिटेरियस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज भाग्य आपका भरपूर साथ देगा और आपके सभी अटके हुए काम बन जाएंगे। स्टूडेंट्स को भी आज पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। आज अपनी पढ़ाई पर किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको शुभ फल प्रदान करेगा। कपड़े के व्यापारियों को भी आज विशेष लाभ प्राप्त होगा, परंतु आज आपके गृहस्थ जीवन में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और अपने लाइफ पार्टनर से कलह होने के कारण आज आप दुखी हो सकते हैं। आपको आज जरूरत है कि आप धर्म कर्म के कार्यों में भाग लें, इससे आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। आज गले में सोना धारण करना भी आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। धनु राशि वालों, अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं तो अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए आपको अपने हाथ में एक हीरे की अंगूठी या उसका सब्स्टिट्यूट अवश्य ही धारण करना चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति असली सर्टिफाइड पन्ना, रूबी, नीलम, पुखराज, हीरा या किसी भी रत्न की अंगूठी को स्वयं बनाकर मंत्र सिद्ध करके पहनना चाहता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर जाकर आप ऑनलाइन इन रत्नों को अपने घर पर बैठे ही
मंगवा सकते हैं। आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 4 स्टार देता हूँ। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है, या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है, ट्रांसफर हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं आ पा रही है, आपके पास धन की कमी बनी रहती है, या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बीमार रहते हैं, या आपके बच्चे बीमार रहते हैं, या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर, या ईमेल के माध्यम से, या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा गुरु रजनीश ऋषि जी से, या गुरु मां रुक्मणी जी से, या न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अपने लिए या अपने बच्चों के लिए एक लकी नाम जानने के लिए, अपने व्यापार के लिए एक भाग्यशाली नाम जानने के लिए, जिससे कि आप दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करें, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी फीस जरूर देनी होगी, जिसका प्रयोग शनिपीठ मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए, हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, घर कर्म के काम जैसे कि यज्ञ महायज्ञों के आयोजन के लिए, प्रसाद एवं लंगर के वितरण के लिए किया जाता है। आपके द्वारा दी गई इसी फीस में से हम अगले दिन प्रमुख रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा अवश्य करते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ वो चमत्कारी उपाय जिसे बड़ी सरलता से कोई भी राशि का जातक कर सकता है और अपने विदेश जाने का सपना साकार कर सकता है और विदेश में एक अच्छी नौकरी पा सकता है। आज आप सफेद तिल लें और थोड़ा सा गुड़ लें, उसको सूर्यास्त के समय एक मिट्टी के कुल्लड़ में डालकर उस कुल्लड़ को पीपल के एक स्वयं गिरे हुए पत्ते से ढक लें। ध्यान दें, वे पत्ता आप पीपल के पेड़ से खुद न तोड़ें, बल्कि वे पत्ता खुद ही जमीन पर आकर गया हुआ हो। उसे ढककर आप उस कुल्लड़ को वहीं पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़ दें। ध्यान रखें, आप घर वापस आते वक्त पीछे मुड़कर ना देखें। घर में आकर स्नान जरूर कर लें, नहाने के पानी में थोड़ा सा शुद्ध केसर मिला लें। ऐसा आप हर महीने एक बार करें, जब तक आपका विदेश जाने का सपना साकार ना हो जाए। यदि आज आप इस उपाय को श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो निश्चित तौर पर जल्द से जल्द आपका विदेश जाने का सपना पूरा हो सकता है। Namaste. My name is Kiran and I'm from South Africa. I'm actually a tarot reader in South Africa and I also have been on the local TV programs and newspapers and I will always visit India to visit Guru Rajneesh Rishi Ji. My experience with Guru Rajneesh Rishi Ji was when I was going through troubled times. This was way back in 2013. And I was searching online and I've been to many of them, many spiritual leaders who I sought help from, but none of them came, could help me out. So I went online and started searching for somebody who's genuine and strong in the background of astrology. And that's when I came across Guru Rajneesh Rishiji's website. And he gave me everything in detail. And with his blessings, I was able to go forward. And afterwards, a lot of problems were solved. And whenever there's any issue that comes up, be it with me or my family, all I do is close my eyes and call upon him. And I meditate upon him and he does appear in the dreams. And those signs and symbols that he gives you in the dreams actually help you to move forward in life. Using his gem rings actually bring about a lot of positivity in your life and it enhances your life in every aspect. Not only does he tell you to use the gem rings, but he also gives you other remedies as well. And together with the blessings of Guru Maa Rukmani Ji, I also was able to go forward. And also at Shani Peet, there's a lot of strength and power that comes out from the pujas that happen. Because even with the Navgraha Shanti Puja that I performed with Guruji and Guru Maa, it actually changed life. A lot for me because it brought about a whole lot of new beginnings, new understandings, and also it brings about a whole lot of light in life. So I would recommend visiting Shani Peet at any point in time because it's a place that you will definitely get genuine help from.
क्या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा? क्या आपके किस्मत के सितारे गर्दिश में हैं? क्या बैड लक आपका पीछा ही नहीं छोड़ता? तो आज ही 133 देशों में प्रसिद्ध शनि मंदिर वाले परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।